साउथ दिल्ली के शाहपुर जटगांव इलाके में 5 मंजिला एक मकान में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते आग की लपटें निकलने लगी। फायर कंट्रोल रूम को आग लगने की सूचना सुबह 5:15 के आसपास मिली थी। मौके पर सफदरजंग, मथुरा रोड, भीकाजी कामा प्लेस सहित अलग अलग फायर स्टेशनों से आग बुझाने वाली आधा दर्जन फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग बुझाने के लिए भेजी गई। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद एसटीओ मनोज महलावत की देखरेख में 30 फायरकर्मियों की टीम ने आग पर काबू पाया। राहत की बात यह रही कि हादसे में कोई घायल या हताहत नहीं हुआ, लेकिन इस दौरान 2 सिलेंडर आग की चपेट में आकर ब्लास्ट भी हो गए। सापट से आग ऊपरी मंजिल तक पहुंच गई थी। सुबह का समय होने के कारण फायर की गाड़ियां तुरंत पहुंच गई, जिससे बचाव हो गया। जो लोग ऊपर फंस गए थे वो समय पर बिल्डिंग से बाहर निकल गए थे। शाहपुर दिल्ली से नवीन निश्चल की रिपोर्ट। देखते रहिए आपका अपना चैनल आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।